हाय दोस्तों। तो यार आज कोई टेक्निकल प्यार नहीं, कोई विमल सिंह नहीं। आज मैं आपसे एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ मैं पिछले 2 महीने से फेस कर रहा हूँ यार, आज मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वो बहुत तेज़ी से घट जाते हैं। जैसे अगर सपोज़ मान लीजिए मेरे 15,100 सब्सक्राइबर हैं, तो उसमें से 15,080 सब्सक्राइबर बचेंगे या 15,070 सब्सक्राइबर बचेंगे। मतलब कि एक ही मिनट में 20 से 30 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ऑडियंस मेरे वीडियो को पसंद नहीं करती है, तो उन्होंने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इस चीज़ पर मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट पे ध्यान देने लगा कि ऑडियंस को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है मुझ में प्रॉब्लम हो। फिर मैं जब देखता हूँ अपने वीडियो के नीचे जो रिस्पांस है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे। सब बहुत अच्छा अप्रिसिएट करते हैं मेरे वीडियोज़ वगैरह को, और मेरे चैनल पर लाइक्स भी बहुत आते हैं। ये समझ लीजिए 95% लाइक्स आते हैं मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उसके बाद भी मैं 2-3 बार देखा हूँ कि मेरे कभी 50 सब्सक्राइबर तो कभी 20 सब्सक्राइबर एकदम से कम हो जाते हैं, तो कभी 30 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने एक दो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो एक कैट फॉर यू यूट्यूब चैनल है, नेहा मैम है, मैं उनसे भी कॉन्टेक्ट किया। एक्चुअली मैं उन्हीं से ज़्यादा कंसल्ट करता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके भी जब भी वो किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कोई उनके चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो 404 एरर करके कुछ उनके चैनल पर भी लिखा आता है। आप यहाँ पर साइड में मैंने उनसे चैट की है, तो वो चैट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट आते हैं कि आपके चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर हैं और आपके व्यूज़ आते हैं 30, 40, 50। आप देखिए साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और कुछ व्यूअर्स तो मुझे ये भी कहते हैं कि क्या भाई आपने जो सब्सक्राइबर हैं वो बाय किए हैं क्या। तो यार मुझे सुनने में बहुत बुरा लगता है कि यार मतलब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप अगर मेरे चैनल को विज़िट करोगे तो आपको चैनल पर लाइक्स बहुत मिलेंगे और गलत कमेंट भी बहुत कम मिलेंगे। उसके बाद भी दोस्तों मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि मैं कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ, तो भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर सकता था। मैं सीधा यूट्यूब को मेल करके बता सकता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये टेक्निकल इशू है, आप इसे सॉल्व कीजिए। लेकिन दोस्तों जब मुझे एक दो लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम उनके साथ भी हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं अगर मेल करूँगा तो हो सकता है उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों एक दिन की बात बताता हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे चैनल का नाम पूछा, भाई तेरा चैनल किस नाम से है, मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में, तो तू अपना चैनल बता मुझे। तो मैंने उसका मोबाइल लिया, उसके मोबाइल में अपना चैनल जो यूट्यूब पे सर्च किया, और मैंने उसके चैनल मतलब और मैंने उसके यूट्यूब पर अपना चैनल ओपन करके सीधा सब्सक्राइब बटन दबा दिया। तो मैं देखता हूँ मेरे आंखों के सामने सब्सक्राइब से मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो गया। फिर मैं डबल से सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाया, तो बेल आइकन भी रिमूव हो गया। तो दोस्तों मुझे भी काफ़ी दिन से लग रहा था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर हैं और उसके बाद भी यार आप व्यूज़ देखोगे 50, 60, 100 व्यूज़, तो यार मुझे लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। उसके बाद दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक चीज़ पोस्ट की कि कितने व्यूअर्स को बेल आइकन दबाने के बाद भी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता। तो उसमें से आप देख लीजिए खुद स्क्रीनशॉट कि इतने व्यूअर्स हैं जिनको बेल आइकन दबाने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता। और मुझे आज ही एक बंदे का कॉल आया था, उसने भी मुझे बताया कि भाई पता नहीं जैसे ही मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया उसके बाद मैं कुछ और वीडियोस देखने लगा, फिर मैंने देखा कि आपका चैनल ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो गया। उस बंदे ने मुझसे अप्रॉक्स 1 घंटा लगभग बात की, उसने काफ़ी सारी बातें की मुझसे, मोबाइल के बारे में पूछा कौन सा मोबाइल उसे वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहिए, तो बहुत लंबी बातें हो गई थी। तो उसने बातों बातों में मुझे ये बात बताई, तो मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, तो मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर यार आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि मैं व्यूज़ या सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ या पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं इस वीडियो पे एड्स नहीं लगाऊंगा। और मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है अपने कंटेंट पर, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे जैसे कई यूट्यूबर होंगे जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ अपनी गलती मानकर इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा या नज़रअंदाज कर दिया होगा।
तो यार मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने धर्मेंद्र सर को काफ़ी टाइम से मैं फॉलो करता हूँ, अप्रोक्स मुझे 1 से 1.5 साल हो गया, और मैं देखता हूँ वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं छोटे यूट्यूबर्स को। तो मैं धर्मेंद्र सर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सर यदि आप तक ये वीडियो पहुँच पा रही है तो आप इस प्रॉब्लम पर ज़रूर एक्शन लीजिए, आप पता कीजिए, क्योंकि आपकी फ्रेंड फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। आप अगर यूट्यूब को कॉन्टेक्ट करेंगे तो हो सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई भी यूट्यूबर इतना स्ट्रगल करे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से फेस करने के बाद भी वीडियोस डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो टेक्निकल प्यार फैमिली के सदस्य हैं, वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, सिर्फ इसी कारण से मुझे अच्छा लगता है। और दोस्तों आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार यदि आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए या आप मुझे वीडियो सेंड करिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल का नाम मत बताइएगा वीडियो में, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताइएगा कि क्या एक्चुअल में आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आप अपने चैनल का नाम बताओगे तो हो सकता है काफ़ी लोगों को लगे कि इसने कोलैब के चक्कर में झूठ बोला है, तो मैं नहीं चाहता। इसलिए आपके साथ अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे वीडियो बना के सेंड कीजिए, ताकि मैं आप सभी की प्रॉब्लम लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। तो यार एक बात ध्यान में रखिएगा, आप अपने चैनल का नाम मुझे बिल्कुल मत बताइएगा, अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ही आप वीडियो सेंड कीजिएगा। और मैं हाथ जोड़कर धर्मेंद्र सर से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि धर्मेंद्र सर, मैंने आपकी कई सारी वीडियो देखी है जिसमें आपने बहुत सारे यूट्यूबर की प्रॉब्लम सॉल्व की है, बहुत सारे यूट्यूबर की हेल्प की है, तो मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालिए। तो यार बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि यार ये वीडियो को आप लाइक नहीं करें तो भी चलेगा, चैनल भी मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, कैट फॉर यू यूट्यूब चैनल उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी। मुझे काफ़ी अपने सब्सक्राइबर ने भी कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सअप मैसेज पे बताया कि जब भी वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो यार ये प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत बड़ी है एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है बहुत से लोगों के साथ होती हो। तो यार आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू।